हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास नोकिया का सेल फ़ोन है और सेल फ़ोन को हमने पहले से ओपन कर रखा है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है सबसे पहले हम वो बताते हैं, फिर ये बताते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। तो जिसमें हम बैटरी लगा दिए हैं, कनेक्ट करने के बाद हम इसमें चार्जर कनेक्ट करते हैं, उसके बाद जो इसमें प्रॉब्लम है वो आपको प्रॉब्लम समझ में आएगा कि इस सेल फ़ोन में क्या प्रॉब्लम है। तो जैसा कि हम चार्जर देखें, इसमें कनेक्ट कर दिए, चार्जर कनेक्ट करने के बाद जैसा चार्ज होने के लिए लोगो आता है, लोगो आ गया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, बिल्कुल जैसे चार्ज होते हुए देखिए बॉक्स आया और तुरंत एरर लिख दिया, यहाँ पे ये एरर बन गया सिंबल। और उसके बाद ये बॉक्स हमेशा बैटरी का ये सेल फोन ऐसे ही रुका रहता है और ये सेल फोन चार्ज नहीं होता है, और उसमें निकाल के चार्ज लगाएंगे तो आपको चार्जिंग एरर वो शो करता रहेगा। तो इस प्रॉब्लम को हमको कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में ये वीडियो है। तो वीडियो आप पूरा देखें, स्किप करके ना देखें, पूरा आराम से वीडियो देखें, तो आप जो है कि अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम उसका पैनल को हम बाहर निकाल दिए और उसके बाद हम एक दूसरा मदरबोर्ड ले लेते हैं, डेड सेल फोन का किसी का भी। अब इसमें से हमें एक रजिस्टर चाहिए जो है कि 10 ओम्स का हमको रजिस्टर चाहिए। तो हम जो है कि वो ढूंढ लेते हैं, हमको बोर्ड में कहाँ पर मिलेगा वो बहुत ही आराम से मिल जाता है। बहुत सारा रजिस्टर होता है जो 10 ओम्स का रहता है इसमें। तो हम इसमें से एक पहले सबसे पहले मल्टीमीटर से हम चेक कर लेते हैं कि कौन सा रजिस्टर हमें चाहिए और 10 ओम्स का रजिस्टर कहाँ पे लगा हुआ है। उसके बाद हम उसको इस बोर्ड से हम रिमूव कर लेंगे। तो जैसा कि देख सकते हैं ये भी है 10 ओम्स का है, पर हम और भी चेक कर लेते हैं। तो उसके बाद यहाँ देख सकते हैं, तो देख सकते हैं ये भी एकदम परफेक्ट है, 10 ओम्स का रजिस्टर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं तीन रजिस्टर है, सारा जो है कि 10 ओम्स का है। तो हम यहाँ पर से ही एक रजिस्टर निकालेंगे, तो यहाँ से सबसे पहले हम एक रजिस्टर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से एक रजिस्टर निकाल के फिर जो है कि हम बताते हैं उसके आगे हमको क्या करना है, इस रजिस्टर को हमको कहाँ पे लगाना है अपने नोकिया के जो सेल फोन है। तो यहाँ पे हमारा जो रजिस्टर था वो निकल गया है, जो है कि इस मदरबोर्ड को जो है कि इसको हम हटा देते हैं, जो ख़राब वाला मदरबोर्ड था। अब जो है कि यहाँ पे जो नोकिया का हमारा जो सेल फोन था वहाँ पे आप देख सकते हैं, उस रजिस्टर को हमको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, जो ये बीच वाला पॉइंट होता है, बीच वाले पॉइंट पे रजिस्टर का एक सिरा जो है कि हमें सोल्ड करना है। तो सबसे पहले हम जो है एक सिरा रजिस्टर का जो है कि बीच वाले पॉइंट पे हम सोल्ड कर देते हैं। ये देखिए सोल्ड हो गया है। अब जो है कि इसका जो दूसरा सिरा है उसको हमको जो है कि बैटरी जो कनेक्टर है उसके जो माइनस जो पॉइंट होता है उस पर हमको जो है कि जंपर वायर से इसको सोल्ड करना होगा, क्योंकि रजिस्टर बहुत छोटा है तो वहाँ से वहाँ तक पहुँचेगा नहीं। आपको रजिस्टर दिख रहा होगा बहुत ही छोटा सा है वहाँ पे। तो एक सिरा तो हम कर दिए, उसमें जो है कि कोई भी सिरा कोई भी साइड सोल्ड कर सकते हैं। तो अब जो है कि हम एक जंपर वायर को पहले रजिस्टर में सोल्ड किए, उसके बाद जो है कि हम बैटरी कनेक्टर का जो माइनस पॉइंट है उस पर हम यहाँ पर सोल्ड कर देते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं ये भी सोल्ड हो गया है, तो हमारा कम्प्लीट हो गया है सोल्ड। तो अब हम जो है जंपर वायर है उसको हम कट कर देते हैं। तो जंपर वायर यहाँ पे हमारा कट हो गया, अब जो भी हमारा प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। तो हम आपको चेक कराते हैं कि जो भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। तो हम जो है कि इसको पैनल को जो है कि इसमें फिट कर देते हैं और हम बैटरी कनेक्ट करते हैं इसमें। तो बैटरी कनेक्ट करने के बाद इसमें हम जो है कि चार्ज कनेक्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि जो हमारा प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया है। तो जैसा यहाँ पे देख सकते हैं हमारा चार्ज जो हो रहा है, यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर जो है कि अब चार्ज हो रहा है, एरर यहाँ पे बिल्कुल शो नहीं कर रहा है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइए कमेंट्स करके, और आप इस तरीके से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, आपके फ़ोन में जो भी प्रॉब्लम आ रहा होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर चार्ज हो रहा है।